Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken class. Friends, today I am going to teach you about the emphatic and restatements part 2. Okay friends, I have already taught you about the part 1 of emphatic and restatements. So today hum padhenge emphatic aur restatements wale sentences part 2. Means kuch baki reh gaye the, abhi aur bhi ek video banenge shayad usme. Bahut sare topic hain jo ek din mein padhana अच्छा नहीं रहेगा मैं समझता हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इम्फैटिक और स्टेटमेंट्स वाले सेंटेंस क्या होते हैं. फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जोरदार कथन सूचक वाक्य में वैसे सेंटेंसेस जिस पे हम जोर देकर बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, मैं जाऊंगा ही, ये हम जोर दे के बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा ही. हमने कई बार बातों में ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम करते हैं कि नहीं मैं खाऊंगा ही, नहीं तुमको नहीं खाना है, नहीं मैं खाऊंगा ही, नहीं तुमको नहीं खाना, नहीं मैं बताया ना मैं खाऊंगा ही, मैं खाऊंगा ही खाऊंगा. मीन्स इस तरह का हम बोलते हैं जोर देकर, या तो गुस्से में बोले या हम ऐसे भी नॉर्मली भी बोले, लेकिन जोर दे के बोलते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा ही, नहीं तुमको नहीं जाना चाहिए, नहीं मैं जाऊंगा ही. मीन्स इस तरह के सेंटेंस जो जोर दे के बोला जाए. तो इस तरह के सेंटेंस जैसे बनाते हैं, मैं जाऊंगा ही, तो आई विल, ये आई विल लिख रहा हूं मीन्स मतलब आई शैल का शॉर्ट फॉर्म आई होता है, तो आई श्योरली गो. श्योरली की जगह पर हम सर्टेनली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वह तुम्हारी मदद करेगा ही, तो ही विल है, शॉर्ट फॉर्म है ही विल का. He'll certainly help you. He'll certainly help you. वह तुम्हें पीटेगा ही पीटेगा. मीन्स जोर देकर बोला कि वह तुम्हें पीटेगा ही. तो he will. आप या तो यहां पर surely लिखो या certainly लिखो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप. Surely beat you. He will surely beat you. अब ये सेंटेंस देखिए, शीला ने ही गाया. तो हम जैसे पूछते हैं ना कि किसने गाया था. अरे शीला ने ही गाया था. सही बोल रहे हो, शीला ने गाया. हाँ यार, शीला ने ही गाया था. शीला ने ही गाया मीन्स जोर दे के बोल रहे हैं. जोर देने से मतलब ये होता है कि हम सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सही कह रहा हूं, या तो मैं ऐसा करूंगा ही करूंगा, या ऐसा ही हुआ था. ठीक है फ्रेंड्स, तो शीला ने ही गाया, तो ओनली शीला सेंग. एक ही व्यक्ति मरा, तो ओनली वन मैन डैट डी है. आप ये मत समझ जाना. ठीक है फ्रेंड्स, वो कल ही तो आया. जैसे बोलते हैं ना, अरे कब आया तू, अरे मैं कल ही तो आया, ऐसा हम बोलते हैं ना, काफी इस्तेमाल होता है. तो वह कल ही तो आया, तो ही केम ओनली यस्टरडे. यह मनुष्य में ही मिलता है. मतलब इससे कहने का मतलब है कि मनुष्य में ही मिलता है, कहीं और नहीं मिलता, किसी और प्राणी में नहीं मिलता है. ठीक है, तो इट इज फाउंड ओनली इन मैन. मैंने मछली ही खाई है. मैं किसी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने मछली खाई है, तो बोला नहीं तो झूठ बोल रहा है यार, मछली नहीं खाया है तुमने. नहीं यार, मैंने मछली ही खाई. मतलब जोर देने से मतलब यही होता है कि हम अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ सच है या ऐसा ही हुआ था. ठीक है, तो मैंने मछली ही खाई. आई एट ओनली फिश. ठीक है फ्रेंड्स,
तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे इम्फेटिक और स्टेटमेंट्स का। इसमें हम दो तरीके का हमने सेंटेंस बताया आपको, ये दोनों को आप अच्छी तरह से समझ लो। ये पहले वाले में श्योरली या सर्टेनली का इस्तेमाल करेंगे, वो किस तरह के सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो आप देख लो, और दूसरे वाले में ओनली का, सिर्फ ओनली का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम बनाएंगे। तो दो टाइप के सेंटेंस हैं आज में। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स, आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो देखते हो तो आपको अगर कुछ भी फ़ायदा होता है, थोड़ा भी फ़ायदा होता है, फ़ायदा तो ज़रूर होता होगा, मैं इतने सालों से इंग्लिश क्लासेस चला रहा हूँ, काफ़ी सभी लोग को फ़ायदा होता है, फ़ायदा तो ज़रूर होता होगा। अगर होता है फ़ायदा तो मेरे वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट पास ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर दे दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।